नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और साथियों, पिछले कई दिनों से लंपी वायरल को लेकर पशुपालकों में काफ़ी चिंता जो है वो देखने को मिल रही है। और लंपी वायरल आखिर है क्या, क्या लंपी वायरल के लक्षण हैं, किस तरह से लंपी वायरल फैलता है और पशुपालक कैसे इस वायरल से अपने पशुओं को बचा सकते हैं, वो बातचीत करने के लिए आज पानीपत के संजय चौक पर जो पशुओं का हॉस्पिटल है वहां पर पहुंचे हैं। डॉक्टर अशोक जी हमारे साथ हैं, वो पूरी जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, एक लंपी वायरल ने पशुपालकों की चिंता काफ़ी बढ़ा रखी है, इसको लेकर सर क्या कुछ है, लंपी वायरल है, इसकी थोड़ी सी विस्तार से सर जानकारी दें। सर, पशुपालकों की नहीं, ये सभी की चिंता का विषय है। और ये एक महीने से राजस्थान पंजाब में जिस तरह महामारी से फैला है उसको देखते हुए हम 10-15 दिन से पहले से ही हमारी तैयारियां शुरू हो चुकी थी। गौशालाओं को जो प्रधान थे उनकी मीटिंग हमारे उपनिदेशक महोदय ने लेके उनको साफ सफाई और बाहर के पशुओं का लेना ना लेना जो बता के उनको दिशा निर्देश पहले दे चुके थे। साथ ही उपायुक्त महोदय ने भी मीटिंग ली थी हमारी और जो दिशा निर्देश जारी हुए थे उन्हीं की अनुपालना करते हुए तो सबसे पहले डिसाइड हुआ था कि भी एक तो बीमारी अचानक आई है और इस बीमारी के इलाज के लिए गोट पोक वैक्सीन है और उसकी उपलब्धता भी कमी है। तो जैसे भी हमारे हरियाणा सरकार ने 3 लाख डोज ली थी पूरे हरियाणा के लिए, तो पानीपत के लिए 23,100 डोज की खेप आई थी हमारे पास। और उपायुक्त महोदय के आदेश अनुसार हमें 2 दिन के अंदर सबसे पहले गौशालाओं को चूज किया था, तो हमने 23,100 डोज जो थी वो पूर्णतः पूरी गौशाला को 2 दिन के अंदर सभी के ऊपर वैक्सीनेशन कर दी है। अब बात आ गई, हमारे पास फ़ोन भी आते हैं गांव से, बहुत से किसान हैं, पशुपालक भाई हैं जो थोड़े चिंतित हैं, मीडिया में न्यूज़ देखते हैं, अखबार में देखते हैं तो खाना नहीं खा रही है या कोई और बातें हैं, तो उनसे भी हम रखते हैं कि भी वो जायज़ भी है बातें, क्योंकि चिंता का विषय है ही। तो हमारी इस हफ्ते 40,000 डोज के आसपास और आएंगे, क्योंकि पानीपत में 74,000 पशुपालक ये गायें हैं हमारे पास और 4 महीने से नीचे के वैक्सीन लगनी थी। तो हमें लगता है और आशा है, हम पूरा कमिटमेंट हमारा कि भी इस हफ्ते हम पूरे वैक्सीनेशन जो पशु की जरूरत है, जिनको ज़रूरत है उनको हम लगवा देंगे। तो हमारा आपके थ्रू अनुरोध है पानीपत के वासियों से, पशुपालकों से, कि भी आप चिंता ना करें, ये बीमारी के अंदर मृत्यु दर 1% से भी कम है, 100 में से 1 पशु, और वो भी वो मर गुजरता है जो पहले से बीमार चल रहा हो या खाना पीना काफ़ी दिन से छोड़ा हो, और वो कोई रिपोर्टेड केस यहाँ है नहीं ऐसा। और इतने दिन होने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि भी कोई है नहीं, तो इसका मतलब तैयारियाँ भी ठीक हैं और हमारे पशुपालक भाई भी अपने पशुओं की सही देखभाल कर रहे हैं। एक अनुरोध और है पशुपालक भाइयों से मेरा कि गाय का आना जाना, बाहर घुमाना कृपया करके 15 दिन तक अपने पास ही रखें। बाहर आने जाने के लिए जैसे सैनिटाइजर हम यूज़ करते थे वो प्लीज़ कोरोना वाली अपना लें, क्योंकि ना ये बीमारी वायरल है और काफ़ी तरीक़ों से फैलती है, जैसे कि मक्खी मच्छर बहुत बड़ा कारण है। अच्छा, जैसे कोई बीमार पशु बाहर से ले आए पंजाब से और उसके थूक है, लार है, फोड़ी की फुंसी की वो है, मक्खियाँ वहाँ बैठ के वो फैलाती हैं। मुख्य कारण छूत भी और मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा है, वेक्टर बॉर्न डिजीज हो जाता है। तो मेरा यही अनुरोध है कि मच्छरदानी का प्रयोग करें, सुबह शाम धुनी लगा के मच्छरों को मक्खियों को बचा के रखें। कई फराटे रखते हैं अपने, वो समझदार हैं पशुपालक, हरियाणा में खासतौर पर पानीपत में बहुत बढ़िया तरीके से रखते हैं। तो उनसे यही अनुरोध है कि भी 40,000 डोज आ जाएंगे। जिन जिन को भी कोई शिकायत ये रह रही कि हमारे पास वैक्सीन ही लगानी आए, सो शुरू में 2 दिन के लिए हमारे पास 23,100 डोज जो थी वो डॉक्टर साहब मेले और यदि ट्रांसपोर्ट की बात रोक लगा दी गई। देखो, उपायुक्त महोदय ने 20 तारीख को आदेश दे दिए हैं, सभी तरह के बाहर लाना ले जाना सभी गायों के मूवमेंट्स पर रोक लगा दी है। पशु मेले रोक दिए गए हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट बैन कर दी गई है। पशुपालकों में डॉक्टर साहब एक संशय बने हुआ, क्या एक केवल गाय गाय में है या भैंसों के अंदर भी? भैंसों में तो रिपोर्टेड हरियाणा में तो है ही नहीं, राजस्थान की थी और वो भी किसकी इम्यूनिटी डाउन होगी तो बहुत ही रेयर है, तो यहाँ जरूरत नहीं है, दिक्कत है कभी ये चीज है, कोई भैंस में रिपोर्टेड केस हरियाणा में तो है नहीं। डॉक्टर साहब जो गाय की बात कर रहे हो उसमें कोई एज है भाई, कोई छोटा बच्चा गाय का है, किस बच्चे को हो सकता है, कोई इसके लिए एज भी है? देखो,
ये तो साइंस है, पहले भी पता है, और हम जगह यही है कि भी 4 महीने से नीचे बच्चे के अंदर मैटरनल एंटीबॉडीज होती हैं, जो अपनी माँ से जिसने खींच पिया है, दूध पिया पहले दिन का, तो उसके अंदर वैक्सीन ज़्यादा कामयाब होती नहीं है। तो इसीलिए 4 महीने से ऊपर जो भी बछड़ा बछड़ी है उसको वैक्सीन लगेगी, ठीक है। तो हमारा अनुरोध यही होगा कि भी जब वैक्सीन आएगी आपके हॉस्पिटल में तो अपने आप बता दिया जाएगा उनको कि आई हुई है, तो आप पशु आपके नज़दीकी पशु संस्था पर वैक्सीन अवेलेबल होगी। तो इसकी मैं आपके थ्रू फिर दोबारा अनुरोध कर रहा हूँ पशुपालकों से, पानीपत डिस्ट्रिक्ट के, कि भी आप कृपया करके चिंता ना करें, वो हमारी जिम्मेवारी है और हम आपके पास पहुँचेंगे। अगर किसी को थोड़ी बहुत भी शिकायत लग रही है, बुखार की है, कुछ और प्रॉब्लम है, हाँ किसी को लगता है कि भी आ गए हैं लक्षण से, उनके लिए भी एक तसल्ली की बात कह देते हैं कि भी ज़्यादा दिक्कत है नहीं, 3 से 4 दिन का ट्रीटमेंट है, ठीक है, अभी तक है नहीं तो इसलिए हम बता रहे थे 3 से 4 दिन का ट्रीटमेंट है और बिल्कुल रिकवर करते हैं पशु। आपको सिर्फ अपने नज़दीकी जो पशु अस्पताल है वहाँ जाएं, सभी पशु चिकित्सकों को आदेश दिए गए हैं कि भी जैसे भी आए उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल। जिले में डॉक्टर साहब अभी तक आया कोई ऐसा केस? जिले में अभी 2 केस रिपोर्ट, एक का नाम दिखे थे, लक्षण थे, एक रिकवर कर गया था, एक के सैंपल भेज रखे थे हमने सर। तो प्रॉब्लम क्या है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, जो बीमारी अंदर जाके वायरस और फैलती है, तो 4 से 24 दिन है, हो सकता है और किसी में भी आ जाए, हम ये नहीं डिनाई कर रहे कि भी नहीं आएंगे, वायरल है आ भी सकते हैं, तो वो सीधा ही अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक के पास जाएं, उनको दिखाएं, रिपोर्टेड है, ट्रीटमेंट तुरंत जारी कर दें, घर में आना जाना बंद करवा दें, पड़ोसियों से गाय को अंदर रखें, खाना पीने का भरपूर प्रयोग रखें, अच्छा से अच्छा रखें, साफ सफाई, मच्छर मक्खियों से बचाएं। गौशाला तो डॉक्टर साहब लगभग कवर कर चुके हो, अब गांव कब तक कवर होंगे सर? मैंने आपको पहले भी बताया था कि भी जैसे ही 40,000 डोज जो कि इस हफ्ते आ जाएंगे, आते ही आपको दिखने लग जाएगा कि भी वैक्सीन पहुंच चुकी होगी, तो सभी गांवों के अंदर मैक्सिमम होगा हम इस हफ्ते के अंदर वैक्सीन आते ही, हमें कल आ जाती है वैक्सीन, तो आपको परसों से आपको दिख जाएगा कि वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत करने के लिए। तो डॉक्टर अशोक जी ने आपको पूरी जो जानकारी है लंपी वायरल की वो दी है, पशुपालक चिंता न करें, सावधानी बरते, सावधानी जो है डॉक्टर साहब ने आपको बताई क्या क्या सावधानी आप बरत सकते हैं, और चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप यदि आपके गाय के अंदर कोई इस प्रकार के जो लक्षण है तो आप संपर्क करें विभाग की टीम से, और इस खबर को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें, क्योंकि पशुपालकों में लगातार जो चिंता है वो लंपी वायरल को लेकर बनी हुई है, और डॉक्टर साहब ने पूरी जो जानकारी है विस्तार से वो आपको दी है, और अब गौशालाएं जो है वो कवर कर ली गई हैं, और जल्द ही जो टीम है वो अब गांव को भी अब कवर करेगी। तमाम लोगों से अपील, इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।